हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाई टू थिंक फास्टर देन अदर्स। अगर जो भी फील्ड में आप हो, वाई टू थिंक फास्टर देन अदर्स, क्यों? उसका रीजन है। से फॉर एग्जांपल आप एक स्टूडेंट हो, आप यूनिवर्सिटी एग्जाम में बैठे हो, या फिर आप एक स्टूडेंट हो और आप यूपीएससी एग्जाम में बैठे हो। व्हेन देयर इज ए क्वेश्चन, इफ यू विल थिंक फास्टर यू विल गेट मोर सोल्यूशन देन योर काउंटर पार्ट हु इज थिंकिंग वेरी स्लोली। So you have to put little bit of extra pressure on your brain and try to think it faster. When you will do it, you will see that your brain starts working very very fast and it will give you more solution than if you will just go easy. अगर आप businessman भी हो, you have to think faster. आपको fast think करना है। जब आप बार बार अच्छी तरीके से सोचते हो और कॉन्स्टेंटली एक ही डायरेक्शन में जल्दी से जल्दी सोचते हो, तब आप क्या होता है, एक की जगह 10 सोल्यूशन आपको मिलता है। अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन भी हो तो देन ऑल्सो दिस वन इज एप्लीकेबल। ये एप्लीकेबल होता है तब भी जब आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो। मान लो कि मैं नेक्स्ट शॉट क्या खेलने वाला हूँ, इफ़ यू विल थिंक वेरी वेरी फास्ट देन यू विल बीट द योर ओपोनेंट। एंड इफ यू आर कंस्टेंटली थिंकिंग, से इवन आप जॉब भी कर रहे हो, देन ऑल्सो इट इज हेल्पफुल बिकॉज इट विल हेल्प यू टू गेट मोर एंड मोर जॉब डन इन लेस टाइम एंड इट विल सेव टाइम फॉर यू। सो यू हैव टू थिंक फास्टर, फास्टर देन योर काउंटर पार्ट्स। ये कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। यू हैव टू पुट ए लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा प्रेशर इन योर माइंड दैट हाउ टू गेट द सोल्यूशन क्विक एंड फास्ट। जब आप ये करते हो, ये जनरली एग्जाम सिचुएशंस में और जो भी चीज़ आप कर रहे हो, इट विल हेल्प यू। अगर मान लो कि एक आप पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हो, यू हैव टू थिंक फास्टर, यू हैव टू थिंक फास्टर एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट दोज आइडियाज वट एवर यू विल गेट फ्रॉम योर माइंड एंड स्पीक इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक। इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल इफ यू आर ए विच एवर प्रोफेशन यू आर वर्किंग इन, इट विल हेल्प यू इन योर लाइफ। So I hope why to think faster is clear to all of you. Try to implement this in your life and you will never get disappointed. अगर ये जो जल्दी से जल्दी सोचना करोगे, सोचोगे, तो आप कभी disappoint नहीं होंगे। Say for example आप एक पायलट हो, अगर पायलट हो तो आप एक सोचना पड़ेगा कि यस किस तरीके से हम लैंड करने वाले हैं, आपका हर एक एक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको हर जगह में ये आप एप्लीकेबल है। तो ट्राई टू इम्प्लीमेंट फास्टर थिंकिंग इन योर माइंड एंड इट विल हेल्प यू टू अटेन बेटर रिजल्ट्स इन लेस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।